हमेशा मोटिवेट कैसे रहें? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी के साथ बड़ा ही गहरा क्वेश्चन भी है ये, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। तो इस क्वेश्चन की थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये बड़ी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है आदमी की कि ना वो हमेशा मोटिवेट नहीं रह पाता। जानने की मोटिवेट रहने का मतलब क्या, कि वो किस चीज़ को सोचता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और फिर समय के साथ कहीं ना कहीं वो उसकी जो वो उत्साह जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, थोड़ा सा उसमें वो उछाल वो एनर्जी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलो थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। एपिसोड नंबर 6, माय दर्शन माय फिलोसफीज। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें आप मोटिवेट किसके प्रति रहना चाहते हो, जानने कि आपके जीवन में करना क्या चाहते हो। क्योंकि मोटिवेट जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं या ये क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हो, उसके प्रति आप भीतर एक एनर्जी नहीं महसूस कर पा रहे। पहले ये क्लियर करो कि आप करना क्या चाहते हो। चलो आपका क्लियर हुआ कि आप सीए बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कुछ पुलिस में या कुछ और डिफेंस में जाना चाहते हो। चलो आपने क्लियर करके सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछो कि क्यों बनना चाहते हो। इसके जवाब अनेक हो सकते हैं, आपको बायोलॉजी या क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टर बनना चाहते हो, आप बड़ा इंटरेस्ट है आपका। दूसरा ये भी हो सकता है शायद, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कहने की बातें हैं, कि आप सेवा करना चाहते हो, ऐसे बहुत कम होता है, ये दोनों बहुत कम मिलेंगे। लेकिन असलियत क्या होती है, वो होती है कि घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, या फिर देखो मेरे रिलेशन में उसके बेटे ने वो डॉक्टर बना था इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मेरे रिलेटिव ने मेरे घर वालों को बोल दिया इसको डॉक्टर बनाओ इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मेरे दोस्त डॉक्टर बनना चाहते इसलिए मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो दोस्तों आप मोटिवेट नहीं रह सकते, क्योंकि आपका अपना कुछ है ही नहीं, आपके पास जो है वो उधार है, वो बासी है। तो ऐसे इसलिए जो पूछते हैं कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें, उनका जवाब यही है कि उनका अपना कुछ है ही नहीं, वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देखकर, या कौन दूसरों को देखकर तो चलो ठीक है, दूसरों के प्रेशर में आके कर रहे हैं। जो काम दूसरों के प्रेशर में आके किया जाता है उसके लिए आप मोटिवेट रह ही नहीं सकते। सबसे पहले ये क्लियर करो कि जो भी मैं करना चाहता हूँ क्या वो अपना है, क्या वो मेरे अंदर से उसके लिए भावनाएं हैं, या फिर मैं किसी के कहने या किसी के प्रेशर में आके कर रहा हूँ। तो पहली बात तो खत्म कर दी है, और ये सच्चाई है कि अगर आप किसी के प्रेशर में आके कुछ काम करते हो तो आप मोटिवेट नहीं रह सकते। आप दूसरी बात, चलो आपको लगा कि चलो भाई मेरी इस चीज़ में रुचि है, मैं चीज़ को सच में करना चाहता हूँ, मेरे अंदर से इसके प्रति बड़ी रिस्पेक्ट है इस काम के प्रति, कोई भी हो सकता है। जैसे हमारा लक्ष्य है, शायद वो लक्ष्य अजीब सा, उसको शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी एक लाइन में बता देता हूँ कि हमारा जो जीवन का थीम है वो है अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना। अभी इस ये ऐसा है, इसके लिए मुझे वार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और किसी को भी नहीं पड़ेगी। जो भी इंसान अध्यात्म के पथ पर चलेगा, जो चल पड़ा है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसको पड़ सकती है जो थोड़ा जिसको जे अट्रैक्ट कर रहा है जो रास्ता, हो सकता है, और उसको भी फिर हो सकता है उसको कुछ ग्रंथ, कुछ वेद शास्त्र, कुछ महान पुरुष साधु संतों की वाणी मोटिवेट कर जाए। तो अब दूसरा है कि फिर चलो ये क्लियर कर लिया आपने कि जो करना चाहता हूँ मेरा खुद का है, मैं खुद अंदर से मेरी अंदर से रिस्पेक्ट आती उस काम के लिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो भी आप करना चाहते हो अब उसके लिए, उसके
बारे में जानकारी इकट्ठी करो, है ना, वही वो जानकारी आपके लिए मोटिवेशन बनेगी। एग्जाम्पल, मान लो आपने सोचा कि मुझे ना योगी बनना है, या क्योंकि ब्रह्मचारी बनना है, एक साधु बनना है, या फिर चलो ऐसा तो लक्ष्य बहुत कम लोगों का होता है, या कह रहा हूँ डॉक्टर बनना है। मैं इस पथ पर हूँ इसलिए इस एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। मान लो आपको अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो ब्रह्मचर्य पालन के बारे में नॉलेज इकट्ठी करो कि ब्रह्मचर्य कैसे काम करता है, कैसे ब्रह्मचर्य आपके जीवन को गहरे में प्रभावित करेगा, आपके जीवन में स्वर्ग की तरह बन जाएगा। तो देखो, आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे तो आपको एक उत्साह, एक एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में बुक्स पढ़ो, उसके बारे में जो भी किसी ने लिखा है वो पढ़ो। और तरीका ये है कि जो भी जो आप करना चाहते हो वो काम जो लोग पहले कर चुके हैं उनके बारे में पढ़ो। जैसे मान लो आप ब्रह्मचर्य पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो इससे पहले जो ब्रह्मचारी लोग रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ो। मैं ब्रह्मचर्य का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो उनके बारे में पढ़ो आप, ये मोटिवेशन मिलेगी आपको। लेकिन सबसे पहला नियम मैंने बता दिया, यही है जीवन की सार्थकता, कि जो कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, वो आपका खुद का होना चाहिए, वो बासी या किसी के कहने पर किसी के प्रेशर में आकर नहीं होना चाहिए। इन चीजों आप समझ जाओगे तो निश्चित सी बात है कि आप अपने जीवन में एक मोटिवेट रह पाओगे और अपने जीवन में हमेशा खुश रह पाओगे। नहीं तो मैंने देख लिया जीवन को, देख लिया मैंने लोगों को, देख लिया है मैंने दुनिया को, सिर्फ देखा है नहीं गहराई से समझ भी लिया है कि लोग ना बड़ी भयंकर तरीके से जीवन में उलझ जाते हैं। एक आदमी, एक इंसान 80,000 महीने का कमा रहा है, नौकरी अच्छी सरकारी नौकरी मिली हुई है, जिसको आज का इंसान बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता कि सरकारी नौकरी मतलब जीवन स्वर्ग, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये सरकारी नौकरी का कीड़ा ना सोसाइटी ने आपके भीतर भर दिया है। क्यों भर दिया है? क्योंकि सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी और पैसा है, और इंसान को लगता है कि पैसा मतलब सुख, ऐसा नहीं है दोस्तों। कितने ही अमीरों की बड़े बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट है जो इतने होने के बाद भी सुसाइड कर गए। तो सबसे पहले ना, इस वहम को, आप जीवन में खुश रहना चाहते हो ना, मोटिवेट रहना चाहते हो, इस वहम को मन से निकाल दो कि पैसा है तो सब कुछ है। जो इंसान बोलते हैं ना कि पैसा मतलब सब कुछ, देखिए मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि पैसा जीवन में बहुत जरूरी है ना, पैसे अर्थ के बिना धर्म भी नहीं हो सकता, ये सच है। अर्थ जाने के पैसा और पैसे के बिना धर्म की स्थापना भी नहीं हो सकती, है ना, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा है, पैसा बहुत कुछ है जीवन में, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है। इस बात को आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और अभी जो सुन रहे हैं, इस बात को कमेंट करके बताना कि आप इस बात को मानते हो कि पैसा जीवन में बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से बढ़कर भी और बहुत कुछ है। इन चीज़ों को समझो, जो मैं आपको मोटिवेट रहने के लिए सूक्ष्म में जाकर चीज़ों को समझा रहा हूँ। क्योंकि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है ना, वो हमेशा मोटिवेट नहीं रह पाएगा। अगर आप कोई नौकरी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, उसमें आपका कोई रुचि नहीं है, जो सिर्फ नौकरी ही नहीं कोई भी काम पैसों के लिए कर रहे हो, मान लो देखो मैं आप खुद का एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब चला रहा होता, क्योंकि यूट्यूब पे बोल रहा होता कि मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे पैसे मिलेंगे, तो शायद अभी देखो अपने चैनल पे 500 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो शायद इतना ज़्यादा मैं नहीं बोल पाता, जहाँ कोई इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे मन में पैसों का लालच बैठा होता। मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ खुद की एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए और एक सेवा के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं पैसों के लिए कर रहा होता तो फिर मेरे, और बड़ी बात कि फिर मैं इतनी रुचि से ये काम नहीं कर सकता और मैं मोटिवेट तो रह ही नहीं पाता। अब थोड़ी है मेरे को कोई कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ मेरे को आकर कोई मोटिवेट करता है, नहीं, अंदर से आवाज़ आती है, एक हैबिट है, कहूँ कि एक मज़ा आता है बोलने में, एक एनर्जी को चैनलाइजेशन मिलता है, बस इसलिए करता हूँ। तो पैसों को, सिर्फ और सिर्फ पैसों को, पैसा लक्ष्य हो सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसों को लक्ष्य रखकर कोई भी जीवन में कदम मत उठाना, नहीं तो भयंकर तरीके से दुख मिलेगा। और ऐसा मैंने देखा है जीवन में, मैं आपको पहले बता रहा था, जैसे
कि लोग 80-80 हज़ार कमा रहे हैं पर मंथ सरकारी नौकरियों में, फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं, फिर भी जीवन में सुख शांति चैन नहीं है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझो, गहराई में उतरो, चिंतन में जाओ, आपके भीतर अंतकरण में गहरी डुबकी लगाओ, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। मोटिवेशन भी मिलेगी, निडरता भी मिलेगी, अंदर हिम्मत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में, ऐसे ही कुछ और गहरे विचारों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें और उस परमपिता परमात्मा के प्रति